कैसे हो दोस्तों, फूड लाइन में आपका स्वागत है। मैं रेखा साहू, आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। ढोकला बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को भी पसंद आता है। चीज़ें वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, चार नींबू लिए हैं मैंने, कटी हुई मैंने हरी मिर्च ली है, स्वाद अनुसार नमक है, थोड़ी सी आधे चम्मच से भी कम हल्दी है, दो चम्मच चीनी है, दो चम्मच इनो है और एक चम्मच सरसों है। ये मैंने एक कटोरा लिया है, इसमें मैं बेसन इसमें डालेंगे ऐसे। उसके बाद हम अभी इसमें हम ये और चीज़ें बाद में डालेंगे, पहले इसको हम थोड़े थोड़े पानी से इसको घोल बनाएंगे। इसको हम ऐसे घोल बनाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसमें, क्यों अभी बहुत गाढ़ा है ये। इसको धीरे धीरे हम ऐसे इसके अंदर घुमाएंगे, क्योंकि इसकी गांठें धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे तभी निकलेंगे। इसको धीरे धीरे हम ऐसे घुमाते जाएंगे। ये हल्दी है, इसको डालेंगे। उसके बाद आधा चम्मच नमक डालेंगे और ये इनो हम डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर हम दोबारा से हम इसको ऐसे ही घुमाएंगे। घोल एकदम तैयार हो गया और एकदम ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इस थाली में मैंने तेल लगा के पहले रख रखा है, अब मैं इसको घोल को इसमें डालूंगी। इस थाली को हम ऐसे थपथपा लेंगे ऐसे, तो ये चारों तरफ हो जाए। ये अब घोल तैयार है और हम इसको गैस पे रखेंगे। तो ये गैस पे मैंने पहले ही पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं इस पे एक थाली रखेंगे और थाली के बाद ये पानी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम चलनी रखेंगे ऐसे और चलनी के ऊपर हम एक थाली रखेंगे और इसको हम इससे हम ढक देंगे और ये 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढका रहने देंगे और गैस हम फुल रखेंगे। जब तक ढोकला तैयार हो रहा है गैस पे रखा हुआ, जब तक हम तड़के का सामान तैयार करते हैं। ये नींबू है, नींबू का मैं रस निकालती हूँ और रस हमेशा ही चलनी रख के फिर उसका रस निकालेंगे कि उसके अंदर के जो रेशे होते हैं वो चलनी में रह जाए। हो चुके हैं, अब इसको हम खोल के देखेंगे। एकदम तैयार हो चुका है ये, इसको हम एक दफ़े ऐसे टच करके एकदम बन जाएंगे। इसको हम गैस को हम बंद कर देंगे, इस थाली को हम आराम से निकालेंगे। ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इस पर इसमें एक चम्मच में दो चम्मच में तेल डालूंगी।
उसके बाद ये सरसों डाल दूँगी इसमें। सरसों को थोड़ा सा ऐसे गैस को हम धीमा रखेंगे। इसके अंदर फिर मैं मिर्ची डालेंगे। मिर्ची के बाद ये हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस के बाद हम ये इसमें चीनी डालेंगे। चीनी के बाद हम नमक, हमने ढोकले में भी डाला था, इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे नमक। इसके बाद हम इसमें एक गिलास ही पानी डालेंगे। अब हम इसको तड़के को थोड़ा सा उबालेंगे, गैस थोड़ी तेज कर देंगे, इसको हम उबाला देंगे। तड़का तैयार हो गया है, अब हम इसको ढोकले पे ऊपर सजाने के लिए डालेंगे और गैस हम बंद कर देंगे। तड़का तैयार है, ये एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, चारों तरफ से हम इसको ऐसे घुमा के ऐसे हम करेंगे और इसके पीसेस काटेंगे। तड़के को हम इसके ऊपर ऐसे किनारे किनारे चारों तरफ से फैल जाए। ये मिर्ची भी चारों तरफ हम ऐसे फैला देंगे। ये थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे इसके ऊपर। ढोकला तैयार है, ढोकला तैयार हो गया है। ढोकले की वीडियो कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।